हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपका चैनल नंबर है उसको ढूंढने में आपको अगर तकलीफ़ होता है, आपका ढूंढने में निकलने में टाइम लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हर रिमोट में, हर डीटीएच के रिमोट में, डीटीएच के रिमोट में नहीं, हर डीटीएच के रिमोट में, ऑल डीटीएच के रिमोट में फेब का एक बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेटिंग पे चले जाएंगे, सारे चैनल को इकट्ठा करके रख देंगे ताकि हम जब भी हमारे चैनल को, फेवरेट चैनल को देखना है तो हम फेव बटन को जब फ्रेश कर देंगे तो हमारा सारी फेवरेट चैनल निकल आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे यूज़र सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पे यूज़र सेटअप पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज के नीचे एक फेवरेट्स बटन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम जो इसमें सारी, मतलब जितने भी चैनल हम देखते हैं, जैसे ये सोनी हो गया और आपका कोई भी चैनल हो, अब जिस चैनल को देखते हैं, इस चैनल को, जैसे ये दंगल हो गया, जैसे ये जी अनमोल हो गया, ये तीन चैनल हम आपको फेवरेट लिस्ट में डाल कर दिखाते हैं। यहाँ पे फेवरेट लिस्ट पे डाल देंगे। अब हम इस पर टिक मार्क कर दिया है सारे पर, ये रिमोट को नीचे से दबाकर इसमें जो चैनल हमको फेवरेट लिस्ट में लाना है इस पर जाकर ओके कर देंगे, तो ये टिक मार्क आ जाएगा इसके साइड पर। तो ये देखिए, ये मतलब यहाँ पे फेव वन पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तीनों चैनल मैंने जिस चैनल को मतलब मार्क किया था वो चैनल यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे जो ब्लू बटन दिया हुआ है इस पर सेव कर देंगे, ठीक है। इस पर यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये देखिए मेरा सेव हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने जो चैनल को फेवरेट लिस्ट पे रखा था उस चैनल को निकालेंगे, जो रिमोट में जो फेव बटन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस पर हमने क्लिक किया है तो ये तीनों चैनल हमने फेवरेट लिस्ट पर रखा था, तो ये आ चुका है। ये देखिए, जैसे ये मेरा दंगल है, ये फेवरेट लिस्ट पे आ चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपने चैनल को अलग से आप फेवरेट लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक जानकारी के साथ।